जुबां है फीकी शाम से, हुई ना तो से बात भी। हेलो एवरीबॉडी, वंस अगेन गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो अभी रात के 12 बज गए हैं और अभी हम लोग आज जाने वाले हैं मुंबई। तो आज से अभी ट्रेन है 12 बज के से 30 मिनट पे या 35, आई डोंट नो, पता नहीं, कंफर्म ट्रेन कब आएगी, अभी जब जाएंगे तो पता लगेगा। तो अभी हम लोग आरा जंक्शन चलते हैं, वहाँ से हम और फिर पूरा ऐसा बैग पैक कर लिए हैं। और उसके बाद ऐसे मेरे साथ बिट्टू भी आ रहे हैं, क्योंकि वो बिट्टू ही मुंबई रहते, वही मेरे को ले जाते हैं घूमने के लिए। तो अभी हम चलते हैं और बिट्टू से मिलना, फिर उसके बाद वहाँ से फिर चलेंगे आरा जंक्शन। तो अभी चलते हैं बिट्टू के पास। तो ऐसे अभी हम आ गए हैं आरा जंक्शन और अभी जा रहे हैं 2 नंबर प्लेटफॉर्म पर, उसी पर आगे से गाड़ी आने वाली है और पीछे से चिंटू आ रहे हैं कुछ सामान लेकर। ट्रेन का टाइम हो गया था तो हम और भैया और सुमित और चिंटू सब कोई आ गए थे आरा जंक्शन 2 नंबर प्लेटफॉर्म पे। तो भैया कुछ बता रहे थे ऐसे ट्रेन क्यों लेट हो रही थी, क्योंकि ट्रेन ऐसे टाइम से 10-15 मिनट लेट हुई थी। तो भैया बता रहे थे क्यों ऐसा लेट हो रही है। तो अब ट्रेन आने वाली है कुछ ही देर में और भैया पैनल बता रहे थे कि कौन सा बोगी कहाँ पर लगने वाला है। चलते हैं B3 में ऐसे भैया और अरे भैया बैग लेके आ रहे हैं लोग और अभी लोग एंट्री करते हैं अंदर। तो फिर हम ट्रेन पे चढ़ गए और बिट्टू ऐसे ट्रेन पे भी नहीं चढ़ते क्योंकि वो जाने का मन नहीं कर रहा था, क्योंकि बहुत कम दिन की छुट्टी पे आए थे वो। और अभी आगे से सिग्नल हो गया है, अब गाड़ी चलते हैं, बाय। तो अभी भैया को बाय बोल कर अब हम लोग अपने सीट पे जा रहे थे। हम लोग का सीट नंबर 38 था और फिर आरा जंक्शन से ट्रेन 2 मिनट रुकी थी और उसके बाद जल्दी ही खुल गई क्योंकि ऐसे ज़्यादा लेट नहीं करती। हे गाइस, तो ऐसे रात के बज गए थे 2। तो बिट्टू से हम बोले जल्दी जल्दी बेड अपना लगा लो क्योंकि अब सोए जाए, क्योंकि मॉर्निंग में जो होगा प्लान करेंगे। तो जल्दी जल्दी बिट्टू बेड लगाए, फिर हम अपना बेड लगाए, उसके बाद हम सोने चले क्योंकि बहुत रात हो गया था। तो हे गाइस, ऐसे गुड मॉर्निंग। तो अभी हम लोग आ गए हैं ऐसे विंध्याचल। तो ऐसे ट्रेन आकर विंध्याचल में खड़ी है और यहाँ पे कम से कम आधे घंटे से ट्रेन खड़ी है और अब कुछ देर में ट्रेन यहाँ से खुलने वाली है। विंध्याचल से ट्रेन खुली तो मॉर्निंग का टाइम था, तो मेरा मन किया कि थोड़ा चाय पी लेते हैं। तो हम और बिट्टू फिर बोले कि चलो चाय पी लेते हैं। तो चाय पीने स्टार्ट कर दिए। बातों से बांधा हर तार। प्रयागराज जंक्शन पे ऐसे लोग ऐसे रनिंग कर रहे हैं क्योंकि वो जो ट्रेन का ये डिब्बा है सही जगह पे नहीं लगाया है, एसी आगे कर दिया है और जनरल पीछे कर दिया है। तो ऐसे लोग को पता था कि ऐसा स्लीपर आगे लगने वाली है और जनरल पीछे लगने वाली है। तो सब लोग भागते भागते, अभी बहुत लोग भागते भागते चले भी गए हैं। ट्रेन अभी प्रयागराज जंक्शन आ गई है और बहुत लोग यहाँ पे चढ़ रहे हैं इस ट्रेन में। ये गाइस अभी 10 बज गया तो सोच रहे थोड़ा सा से दातुन कर लेते हैं, उसके बाद फिर कुछ खा लेंगे। और फिर दातुन करके और फेस वॉश करके अब हम जा रहे हैं कुछ खाने। अभी बढ़िया से पहाड़ स्टार्ट हो गया है और अभी ट्रेन तो चल रही है, अभी तो ट्रेन आधा दूर भी नहीं है। ऐसे पहाड़ बहुत सारे दिखने लगे हैं, बहुत मजा आ रहा है, मस्ती कर रहे हैं। ऐसा टाइम हो गया है 1 बज गया है और अब खाना खाने का टाइम हो गया। ऐसे हम नाश्ता कर लिए हैं और खाना खाने का टाइम हो गया, खाना आ गया ऐसे ट्रेन में। और ऐसे खाना आ गया है अभी और बिट्टू जैसे रेडी हो रहे हैं खाना खाने के लिए। और ऐसे खाना खाना हम लोग रेडी करते हैं और खाने में है दाल चावल सब्जी चटनी अचार और रोटी। और ऐसे सब खाना आ गया है अभी। क्या बोला था? और ऐसे घर का अचार लाया है ऐसे बिट्टू जी, तो इसको निकाल रहे अभी अचार। मोहनी तो चल 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 यूं मिलके हम मिलके हो के खुशी में जू प्यार की मस्ती में। हे गाइस, तो ऐसा कटनी जंक्शन हम लोग आ गए थे। तो सामान के जनरल घूम कर आते हैं क्योंकि हम लोग का टिकट एसी में था। तो जनरल घूमने गए तो भाई जनरल में आप तो अंदर जा भी नहीं सकते, बहुत भीड़ है, बहुत भीड़। तो हे गाइस, शाम का वक्त हो गया, अब चलते हैं। और ऐसे पहाड़ के बीच ट्रेन पास हो रही है, एकदम बहुत मस्त सीन दिख रहा है। और ऐसे पूरा एकदम बादल वादियाँ ही वादियाँ। गाइस, तो रात के बज गए हैं 9 और खाना आ गया हम लोग का। तो खाना खाने का मन तो था नहीं, लेकिन खाना खा लेते क्योंकि ऑर्डर कर देते तो खाना गया था। अब खाना खा के फिर हम बेड पे सो गए क्योंकि बहुत रात हो गई, मतलब 10 बज गया था।
और फिर मॉर्निंग में उठे तो मैं छेती छेती लावा तेरे नाल लेनिया समय दा ता पूरा भी यकीन कोई ना तेरे नाल जाके बादलों की झाली के पीछे से घर चांदनी है मुझको इतना। तो मॉर्निंग में ऐसे ट्रेन नासिक में पहुंची तो बहुत ऐसे बारिश हो रहा था, तेज नहीं थोड़ा नॉर्मली बारिश था लेकिन हो रहा था, बहुत अच्छा लगा था। धीरे धीरे बारिश हो रहा था, फिर मन गया चाय पी लेते हैं, तो हम बोले बिट्टू से चलो चाय पी लेते हैं, तो चाय पी रहे तेरी इग्गत पूरी आ गई। ऐसा हम अभी 7:18 हो रहा है, हम लोग इग्गत पूरी आ गए जहाँ पहले भैया का ऐसे डिपार्टमेंटल आदमी लोग थे, अभी हम लोग जा रहे हैं उन्हीं ड्राइवर लोग से मिलने अभी, और बिट्टू साथ में चलते हैं। भैया के डिपार्टमेंट का आदमी कोई मिला नहीं क्योंकि ऐसे कोई छुट्टी पे सब कोई गया है, और भैया रहते तो कोई दिक्कत होता नहीं, लेकिन मौसम के देखो इशारे कितने हसी है। तो ऐसे थोड़ा ट्रेन टनल में जाने वाली थी तो उसके पहले ही थोड़ा देर रोक दिया था, क्योंकि टनल में जाने के बाद सिग्नल थोड़ा होता नहीं है, तो ऐसे रोक दिया था ट्रेन, और अभी ट्रेन टनल। ओह माय गॉड, हे गाइस, तो अभी 8 बज गए और फिर थोड़ा मन कर रहा है ऐसा दातुन कर लेते हैं कि कुछ खाना खाना होगा, तो दातुन कर लेते हैं उसके बाद कुछ खाएंगे। तो ऐसे अभी हम लोग 10:53 हो रहा है और कल्याण हम लोग आ गए हैं, और 10 मिनट पहले ही ट्रेन आ गई है, तो कुछ देर पे ट्रेन यहाँ रुक रही है, उसके बाद चले गए यहाँ से। तू बन गई है जरूरत मेरी तेरे लिए। बाय। तो अब हम लोग ऐसे मुंबई पहुंच गए और थाने उतर गए और चलते हैं अभी यहाँ से। हे गाइस, तो अभी हम लोग आए थे थाने लोकल पकड़ने, तो थाने से ऐसे लोकल पकड़े तो हम लोग आए पहले वासी, क्योंकि इसकी लास्ट स्टॉपेज वासी थे, वासी से हम लोग को लोकल चेंज करना था, और वासी से लोकल चेंज करके जाना था पनवेल रूट में। लोकल यहाँ पे भाई बहुत स्पीड चल रही थी, तो हम लोग पनवेल आ गए, पनवेल उतर गए, उतरने वाले थे कुछ देर में क्योंकि लोकल इतना तेज चल रही थी क्या ही कहना। तो अब हम लोग यहाँ से उतर के जाएंगे घर पर। तो हम लोग ऐसे घर पे आ गए, थोड़ा सा यहाँ पे गर्मी ज़्यादा है क्योंकि ऐसे बाहर में चल रहे थे, धूप लग रहा था, तो ऐसे थोड़ा पसीना हो गया। और अभी ब्लॉगिंग करते हैं, आप कमेंट बताना वीडियो आपको कैसा लगा, मुंबई फर्स्ट डे है तो बताना मुंबई आपको कैसा लग रहा है।